अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। कैसे बने राम परशुराम? भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि जैसे अनेक ग्रंथों में किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भूदेवी गाय के रूप में स्वयं पर बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति की प्रार्थना लेकर भगवान विष्णु से विलाप कर रही थी, तब प्रभु ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे देवी, मैं आपकी इस व्यथा से भली भांति परिचित हूँ। मैंने मनुष्य को प्रकृति पर भिन्न भिन्न तरह से अत्याचार और उसका शोषण करते देखा है, पर हे देवी, इस अत्याचार का समय अब समाप्ति पर है। मैं महर्षि भृगु के वंशज जमदग्नि और रेणुका के पांचवें पुत्र रूप में छठा अवतार लूंगा और धरती को अत्याचार मुक्त कर दूंगा। भगवान विष्णु ने अपने वचन अनुसार महर्षि जमदग्नि के यहाँ पांचवें सबसे छोटे बालक के रूप में जन्म लिया और उनका नाम बड़े ही प्यार से रामभद्र रखा। कथाओं के अनुसार परशुराम जब 8 साल के थे तो उन्होंने सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही गुणों से भरे परशुराम सनातन और युद्ध कला दोनों में ही निपुण थे। अपने पुत्र की इन खूबियों से प्रसन्न उनके पिता ने उन्हें हिमालय जाकर शिव की आराधना करने का आदेश दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जमदग्नि पुत्र राम, अपनी आंखें खोल, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। भगवान शिव के साक्षात दर्शन होने पर उन्होंने महादेव से अपने जीवन का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। परशुराम के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अलौकिक शक्तियों से युक्त फरसा दिया और बोले, ये फरसा मेरी शक्तियों से युक्त है। इस फरसे को तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई नहीं संभाल सकता। इसकी आवाज मात्र से ही तीनों लोग कांप उठेंगे। अब इस संसार में अधर्मियों का नाश कर तुम्हें फिर से धर्म की स्थापना करनी होगी। महादेव से उनका दिव्य फरसा प्राप्त करने के पश्चात उनका नाम परशुराम हुआ, अर्थात परशु को धारण करने वाले राम। भगवान परशुराम को इतिहास में न्याय के साथ साथ एक आदर्श पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। एक घटना के अनुसार जब उनकी माँ रेणुका नदी किनारे जल भरने गई, पर वहाँ कई गंधर्व और देवताओं को देखकर वो मोहित हो गई। जब जमदग्नि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को उनकी माँ का वध करने का आदेश दिया, पर माँ के प्रेम से बंधे सभी बालक ये नहीं कर पाए और गुस्से में तिल मिलाए जमदग्नि ने उन सभी को जड़ बुद्धि बना दिया। लेकिन तभी वहां परशुराम पहुंच गए। पुत्र, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तू अपनी पापी माँ का अभिवध कर दे और इस बात का तनिक भी शोक मत करना। अपने पिता के आदेश अनुसार परशुराम ने अपनी माता का सर एक झटके में ही फरसे से काट डाला। ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत होते ही उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मेरे कहने पे वो कार्य किया है जो किसी के लिए भी करना संभव नहीं था। तुम सच्चे धर्म के रक्षक हो, तुम्हारी जो भी कामना हो वो मुझे बताओ। पिताजी, मेरी आपसे कामना है कि मेरी माँ फिर से जीवित हो जाए, मेरे सभी भाई फिर से स्वस्थ हो और उन सभी को इस घटना का कोई बोध ना रहे।
आप मुझे बल और लंबी आयु का आशीर्वाद दें और मैं इतना बलशाली बनूं कि मेरे सामने कोई टिक ना सके। महाबली भगवान परशुराम ने अपनी नियति के अनुसार इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। भागवत पुराण के अनुसार माहिष्मति राज्य के राजा कार्तवीर अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर अपने इस बल के कारण घमंड उनके सर चढ़ गया था। एक बार जब उन्होंने महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जब देवराज इंद्र की कामधेनु गाय देखी तो उनकी लालसा रुक नहीं पाई और वो कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गए। अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम, डी मार्क ऑर्थोबाम। इस बात का पता जब भगवान परशुराम को चला तो वो क्रोध की अग्नि से भर गए और अपना फरसा, धनुष, ढल और तरकश लेकर कार्तवीर अर्जुन से युद्ध करने निकल पड़े। परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन की ना खत्म होने वाली सेना को अकेले ही नष्ट कर दिया। परशुराम की क्रोध अग्नि का सामना कार्तवीर अर्जुन भी नहीं कर पाए और एक एक कर भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन की सभी भुजाएं काट दी और इसके पश्चात उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर उनका वध कर दिया। अपनी नियति के अनुसार भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं महर्षि भृगु का वंशज महादेव शिष्य ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस धरती से सभी अधर्मी क्षत्रियों का तब तक नाश करता रहूंगा जब तक ये धरती न धर्मी क्षत्रियों से मुक्त नहीं हो जाती। क्रोध अग्नि में जलते हुए परशुराम ने माहिष्मति राज्य पर हमला कर दिया और उनका फरसा तब तक नहीं रुका जब तक उन्होंने इस धरती को क्षत्रिय रक्त से लाल नहीं कर दिया। प्राचीन उल्लेख के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार सभी हयवंशी क्षत्रियों का विनाश कर 5 सरोवर उनके रक्त से भर दिए थे और संपूर्ण धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। महाप्रचंड परशुराम ने 21 बार हयवंशी क्षत्रियों से युद्ध कर पूरी धरती पर तांडव किया। उनकी इस क्रोध अग्नि को देखकर सभी देवता घबरा कर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंचे। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, हे प्रभु, आपके अवतार परशुराम ने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है, पर अभी भी उनकी क्रोध अग्नि शांत नहीं हो रही। हे सर्वश्रेष्ठ, अगर परशुराम का फरसा अभी भी नहीं रुका तो ये धरती सदा के लिए क्षत्रियों से विहीन रहेगी और बिना क्षत्रियों के ये संसार का चक्र रुक जाएगा। आप कृपा करें और अब ये तांडव रोकें। सभी देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने परशुराम के पितर ऋषि ऋचिक को आदेश दिया कि वो अब उन्हें रोकें। नारायण के आदेशानुसार ऋषि ऋचिक ने परशुराम जी को दर्शन दिए। हे बलवान धर्मवीर, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी, परंतु ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अब तुम्हें इन सभी हत्याओं का प्रायश्चित करना होगा और खुद को इस पाप से मुक्त करना होगा। अपने पितर के आदेशानुसार भगवान परशुराम ने अपने शस्त्र त्याग कर खुद को भगवान शिव की साधना में लीन कर लिया और अंत में संपूर्ण धरती को ऋषि कश्यप जी को दान में देकर अपना प्रायश्चित पूरा किया। महादेव और अपने पितरों के आशीर्वाद स्वरूप वो चिरंजीवी हैं और उन्होंने त्रेता युग और द्वापर युग में अहम भूमिका निभाई है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा अपने आराध्य शिव के धनुष तोड़ने पर
वो अत्यंत क्रोधित हो उठी थी। पर भगवान श्री राम से भेंट के बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वो साक्षात भगवान विष्णु हैं। उन्होंने रघुकुल में राम रूप में जन्म लिया है। श्री राम से मिलने के पश्चात भगवान परशुराम जी को विश्वास हो गया कि अब संसार सही क्षत्रियों के हाथों में है। द्वापर युग में भगवान परशुराम ने महाभारत काल के महाबली भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण को अस्त्र शस्त्र की दीक्षा भी दी थी। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन हैं और कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु के रूप में वापस लौटेंगे और कल्कि को वेद पुराण और अस्त्र शस्त्र में निपुण बनाकर कलयुग का अंत करेंगे। तो ये थी भगवान परशुराम के जीवन काल की कुछ मुख्य कथाएं। अगर आप भगवान परशुराम के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और ऐसी ही और पौराणिक कथाओं की जानकारी के लिए अभी महावॉरियर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करें नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम।